जो हमारे लिए हर दिन प्रार्थना करते हैं, जो हमें वचन से सिखाते हैं, जो हमें आत्मिक रीति से मजबूत करते हैं, जो हमें वचन का ज्ञान सिखाते हैं, जो अपने परिवार से बढ़कर अपने कलीसिया के बारे में सोचते हैं, उनसे प्यार करते हैं, जो खुद तो दर्द सह लेते हैं पर कलीसिया के लोगों पर उस दर्द को नहीं आने देते हैं। जब हम बीमार होते हैं वो हमारे साथ होते हैं, वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। जब हम हॉस्पिटल में होते हैं तब भी वो हमारे साथ खड़े होते हैं। जब हमारा कोई अजीज इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो उस समय भी उस कब्र पर वो हमारे साथ होते हैं और हमें शांति देते हैं। जब खुशी की घड़ी होती है तब भी वो उस खुशी में हमारा साथ देते हैं। एक बच्चे के जन्म से लेकर उसकी शादी तक और शादी से लेकर जीवन के आखिरी सांस तक परमेश्वर के ये सेवक हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। कितनी बार हम इनके प्यार को नहीं समझ पाते हैं, कितनी बार इन्हें ही अपना दुश्मन समझ लेते हैं, कितनी बार हम इनसे नाराज हो जाते हैं, कितनी बार जब ये हमें वचन से ताड़ना देते हैं या सही रास्ता बताते हैं तो हम इनसे मुंह फेर लेते हैं, पर फिर भी ये हमसे प्यार करते हैं, फिर भी ये हमारा साथ देते हैं, फिर भी ये हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, फिर भी ये मसीह यीशु से हमारे लिए विनती करते हैं। आज शायद हमने कई बार उस प्यार और समर्पण को नहीं समझा, पर आज महसूस होता है कि आपने हमारे लिए कितना कुछ किया और कितना कुछ सहा। आपने सच में मसीह यीशु के प्रेम और बलिदान को अपने जीवन के द्वारा दिखाया। मेरे शब्द कम पड़ गए हैं, प्रभु को आपके जीवन के लिए धन्यवाद देते देते। थैंक्स पास्टर आपके प्रेम और समर्पण के लिए। हम आपको प्यार करते हैं और हमेशा आपके साथ खड़े हैं। गॉड ब्लेस यू डियर पास्टर।